मैडम ऐसा क्यों होता है? ये चल रहा है हिंदी विषय का प्रशिक्षण। आपने भाषाओं को क्यों नहीं समझा? कमलेश उपाध्याय बता रही हैं कि हिंदी विषय को किस तरह आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैडम, इसमें रोचकता किस तरह से लाते हैं, थोड़ा सा बताएं। विषय परिवर्तन करके जी, और उनसे संबंधित कुछ रोचक बिंदु, दैनिक जीवन से संबंधित रोचक बिंदुओं को जोड़कर उनके आसपास के जो पर्यावरण में जो देखते हैं, प्राचीन काल की बातों को भी ले और वर्तमान में जो चल रहा है उनको भी ले। जैसे यदि हम उनको रस पढ़ा रहे हैं तो हम उनको प्राचीन उदाहरण भी बताएं और अभी जो वो गानों के रूप में सुनते हैं उनको भी उसमें समाविष्ट करेंगे तो बच्चा उससे जुड़ेगा। और यदि हम कहानी पढ़ा रहे हैं तो कहानी में यदि हम किसी फिल्म की कहानी भी बोलना यदि बताते हैं बच्चों को तो उससे भी उनकी रोचकता बढ़ती है। मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए उसको मतलब बच्चों को आसानी से पढ़ाया जाए, उनको आसानी से समझ में आए और नंबरों का भी ध्यान रखा जाता है और उसके लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति लेखन में और वक्तव्य में दोनों में होना चाहिए। वक्तव्य में स्वतंत्र अभिव्यक्ति यदि वो अच्छी तरह से कर पाता है तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और यदि वो लेखन में अच्छा करता है तो उसके अंकों में निरंतर वृद्धि होती जाती है, उसका ज्ञान बढ़ता है। और जो साधारण से जो ऐसे बिंदु हैं जिन पर की अंक अधिक कटते हैं उन बिंदुओं को कक्षा में निरंतर दोहराया जाए जिससे कि वो अंक न कटकर वो भी गणित और विज्ञान की तरह से अधिक अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद जी।